हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन बोथ द ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है क्या सिंथेसाइज होता है ब्रेन में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। ऑप्शंस गिवन है एसीटीएच, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन या फिर सोमेटोस्टैटिन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन बोथ ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हॉर्मोन जो कि सिंथेसाइज होता है इन बोथ ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज एंडोक्राइन सोमैटोस्टैटिन हॉर्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो सोमैटोस्टैटिन जो है एक इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन जो कि सिक्रीट होता है बाय हाइपोथैलेमस, सिक्रीट होता है बाय हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन एंड पैनक्रियास में, ब्रेन पैनक्रियास में। तो जो सोमैटोस्टैटिन है फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट करते हैं दी सिक्रीशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को जो है इनहिबिट करते हैं फ्रॉम दी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, फ्रॉम दी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड सोमैटोस्टैटिन जो होता है फ्रॉम पैनक्रियास ये इनहिबिट करते हैं release of other hormones, release of other hormones from pancreas जैसे insulin और glucagon, like insulin and glucagon। तो यहाँ पे हमारा correct answer हो जाएगा the hormone जो कि synthesize होता है in both brain and endocrine glands is somatostatin, not ACTH, cortisol and oxytocin। I hope you understood it well. Best of luck.